आज हम राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा में आ रखे हैं। यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन हो रही है, तो दिखाते हैं। ये राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा, तिलक रोड से हम लोग अंदर आए थे, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। साइंस मेला अभी हमारे चीफ गेस्ट आए नहीं है, स्टार्ट होने वाला है। ये है राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा, ये बिल्डिंग है। यहाँ पर एक बड़ा सा पानी का टैंक भी है। बच्चों के सब मॉडल लगे हुए हैं। मैथ्स का है, ये क्या बनाया बेटा? स्मार्ट सिटी बनी है। देखो अभी हमारा देहरादून में स्मार्ट सिटी बनने वाली है, बच्चों ने अपनी बना दी है। देखो शानदार एकदम। ये क्या है बेटा? है वर्षा डिटेक्टर। अच्छा, अरे वर्षा डिटेक्टर। अच्छा ठीक ठीक, बहुत ज़रूरत है उसकी। आजकल बादल वादल ज़्यादा फट रहे हैं, तो पहले से पता लगना चाहिए। हाँ, अच्छा इसके ऊपर जब बारिश पड़ेगी अब डिटेक्ट हो जाएगा कितनी बारिश होने वाली है। ऐसे नहीं, अच्छा ठीक 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 ठीक, मतलब घरों में यूज होगा ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो बहुत शानदार। ये देखो ये मॉडल बनाया है, इसको दिखाओ, सोनम खोल के दिखाओ। इसके अंदर सारे सिस्टम है, बताओ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, ये हार्ट बना है, बहुत बढ़िया। बताओ नितिन, ये इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल लगा हुआ है, इससे चार्ज होगा। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, फिर ये एनर्जी स्टोर हो रखी है, फिर आप इसे घर में यूज कर सकते हैं। लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, इलेक्ट्रिक क्विज गेम है, वेरी गुड। विंड एनर्जी को हम यूज करेंगे घरों में, ये वाला मॉडल है। किस पे बनाया बेटा, क्या काम करेगा ये? चुंबक है?
हाँ चुंबकीय प्रेरण से लाइट। ठीक ठीक, कैसे कैसे जरा एक बार बता दो। इसमें तो ऐसे बनेंगे, एक चुंबकीय होगा, एक अचुंबकीय होगा, ठीक है। इधर वाला तो अचुंबकीय होगा, इधर चुंबकीय होगा। वेरी गुड, काम करेगा तो चुंबकीय वाला यहाँ चुंबक जाएगा, चुंबकीय वाला नीचे गिर जाएगा, और जो यहाँ पे चुंबकीय चुकेगा उससे सारी ऊर्जा हमारे यहाँ पे एकत्रित होगी। उसके बाद से हम इस लाइट को इसको उपयोग कर सकते हैं, हाईवे पे कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब चलेगी। yes. बहुत बढ़िया। इस तरह के छोटे 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 मॉडल बना करके हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस तरह से सैटेलाइट से किस तरह से रडार लेते हैं, फिर ये मैसेजेस कैसे कैसे तुम्हारे घरों तक पहुंचते हैं, ये बच्चे ने मॉडल बनाया। हमें बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है तो ये भूस्खलन का अलार्म दे देगा। जैसे ही धरती नीचे बैटरी होगी ज़मीन, तो वहाँ पर गाड़ियों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर जाना रिस्की है। बहुत सुंदर, ये बच्चों ने चार्ट बनाया है, लेयर्स ऑफ एटॉमिक स्पेस। हाँ स्पेयर एटमॉस्फेयर। बताओ कैसे बनाया, क्या बनाया? मैम इसमें जो पृथ्वी है, हमारे एटमॉस्फेयर में पांच लेयर्स होती है। हाँ? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जो कि पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 50 किलोमीटर ऊंचा है, और इसमें हमारी ओजोन लेयर भी स्थित है, जो कि अब इसकी मात्रा बहुत घटती जा रही है। हाँ? मीसोस्फेयर, जो कि 85 किलोमीटर ऊंचा है। थर्मोस्फेयर, जो 690 किलोमीटर ऊपर है, इसमें हमारी सैटेलाइट्स होती हैं। और एक्सोस्फेयर, जो कि 1000 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक, ये हमने विज्ञान संबंधी चिंताओं के लिए बनाया है। ये आर्टिकल का डाटा जंगलों में ज़्यादा आदाय वगैरह, जंगलों को ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। बहुत बढ़िया, जंगल में आग का पता लगाने के लिए है ना, कि कैसे जैसी आग लगेगी तो सायरन बजेगा। अगर तस्कर जाते हैं तो जानवरों को मारने के लिए लकड़ी वगैरह, अच्छा, तो वन विभाग इसे अलर्ट हो सकता है। अच्छा, और जैसे इस बार बारिश से बहुत ज्यादा खतरा हुआ मालदीव का, मैंने देखा होगा। हाँ, उसे बहुत लोगों को फर्क पड़ा। तो इसमें जैसे हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, अगर पानी पानी का जैसे पानी में बढ़ोतरी होती है, पानी में बढ़ोतरी होने से ये सायरन बचाएगा, जैसे बाढ़ में पता चल जाता है, लोग अपनी सेफ्टी रख सकते हैं, लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हाँ, तो बाढ़ का पता लग जाएगा पहले ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या है बेटा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बनाया, वेरी गुड, बहुत शानदार माइक्रोस्कोप बनाया। कौन कौन से लेंस लगे हैं इसमें और कितने लगे हैं? आईपीस है, ऑप्शन पीस है, ये प्लास्टिक की बॉटल से बनाया इसका, बॉटल से इसकी बॉडी बनाई। ये क्या है? फ्लोटिंग मॉडल हाउस। अच्छा, ये क्या है? ए बेटा क्या है ये? तो मैंने मॉडिफाइड सिलाई मशीन है, इसमें ना जैसे साधारण सिलाई मशीन होती है, केवल कपड़ा सिलने का काम करती है, तो ये मशीन कपड़ा सिलने और काटने दोनों काम एक साथ करती है, इससे हमारे समय का बचत होती है। काटने का कैसे करेगी मैम? यहाँ पर ये है ना ब्लेड, तो यहाँ से कपड़ा कटेगा और यहाँ से सिलेगा। और मैम ये है कि हम इसमें
लाइट से ज्वाइन है, अगर हम लाइट में प्लग लगाएंगे तो ये लाइट से चलेगी, जिसमें हम यहाँ पर हमें खाली कपड़ा पकड़ना तो सीधा जाएगा और हम इसे हाथ से भी चला सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये सिलाई मशीन काटने का भी काम करेगी और सिलने का भी काम। वेरी गुड।